Some days there's no one else. इस स्कूटर का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन भाई क्या करूँ, कहीं भी अवेलेबल नहीं थी ये। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार ये स्कूटर जैसे ही आएगा तो इस पर एक वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। तो फाइनली ये आ गया है दिल्ली के अंदर। तो जिस भाई को भी यामा एरोक्स बुक करवाना है वो आ जाओ यहाँ सानी मोटर राजापुरी में, अंकित भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना, पूरी डिटेल वो आपको दे देंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के लगभग 11:30। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरे सामने देख लो, यह है यामा एरोक्स 155, 2022 भी बोल सकते हो क्योंकि अब तो 2021 ख़त्म ही होने वाला है। तो एक क्लोज लुक दिखा देता हूँ स्कूटर की आपको। ये स्कूटी नहीं है, स्कूटर है, मैक्सी स्कूटर की कैटेगरी में आता है। तो आपको देख लो स्कूटर की लुक क्या यार, वीडियो में देखने में नहीं पता लगेगा, लेकिन भाई आप इसको रियलिटी में देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्कूटर है, देखने में मतलब ऐसा लगता है कि पूरी बाइक खड़ी हो। तो अब बता देता हूँ इसकी स्कूटर की छोटी मोटी बातें कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं यामाहा ने, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं और भाई कैसी है ये स्कूटी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके कंसोल पे। गाइस कंसोल देखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है स्कूटर के अंदर। इधर टाइम, इधर फ्यूल इंडिकेटर है, इधर ओडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर, और ये है आपके RPM। उसके बाद टर्न इंडिकेटर और ABS की लाइट, सिंगल चैनल ABS है इसके अंदर। और ये ECU की लाइट है, ये हाई बीम और टेम्परेचर वार्निंग। गाइस कंसोल की क्वालिटी देख लो, थ्रॉटल ट्यूब वगैरह और हैंडल बार देखो। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन अभी तक शुरू से लेकर एंड तक यामा की सारी बाइकों में, शुरू से लेकर एंड तक कहने का मतलब ये है कि स्कूटी के अंदर भी यही आता है, R3, R1, R6 कोई भी आप यामा का प्रोडक्ट उठा लो, सबके अंदर ये सेम डिज़ाइन मिलेगा आपको। सो गाइस स्कूटी के अंदर दिया हुआ है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के सारे फीचर्स हैं इस स्कूटी के अंदर। इनकमिंग, आउटगोइंग, नोटिफिकेशंस वगैरह सारी आप चेक कर सकते हो यहीं पर। और ये यामाहा का लोगो सुंदर सा लग रहा है। साइड मिरर OVRM की क्वालिटी की बात करें तो भाई ये भी बड़ी सही है। अब आ जाते हैं व्हील पे। सिंगल चैनल है अभी इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और व्हील जो है इसमें ऑरेंज कलर के दिए हुए हैं, जो मॉन्स्टर एडिशन है उसके अंदर ब्लैक आते हैं, और जो रेसिंग ब्लू है उसके अंदर ब्लू ही आते हैं। फ्रंट लुक्स की बात करें गाइस, तो सामने दिए हुए हैं DRLs, 4 DRLs हैं इसके अंदर। और हेडलाइट और टेल लाइट दोनों LED के अंदर दी हुई है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे। जो रियर सस्पेंशन है, मतलब जो रियर शॉकर है, वो डुअल स्प्रिंग में ही है। और जो इंडिकेटर है वो बल्ब में दिए हुए हैं, जैसे सभी स्कूटी और सभी बाइक्स में आते हैं यामाहा की, सभी में एक ही डिज़ाइन आता है भाई ये। और ये लाइट देख रहे हो, जानी पहचानी सी लग रही है कुछ, सेम R3 के अंदर ये लाइट आती है और सेम इंडिकेटर आते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ गाइज मैं आपको, अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो इसकी जो फ्रंट लुक्स है ना, थोड़ी थोड़ी R3 से मैच खा रही है। देखो ये, आप इसको थोड़ा सा दूर जाके देखोगे तो आप कहोगे यार R3 जैसी लुक्स है इसकी, देख रहे हो। इसकी जो लाइटों का डिज़ाइन है, हेडलाइट का, सेम वही है। कंपनी जो वारंटी देती है इसकी, वो देती है 2 साल की या 30,000 किलोमीटर, मतलब 30,000 या 2 साल, जो भी पहले हो जाए। सो गाइज अब बता देता हूँ आपको इसका सीट खोलने का तरीका और फ्यूल टैंक खोलने का, बड़ा सही सा लगा मेरे को। तो ये आ गए हम की पे, ये अपनी इग्निशन ऑफ है, अपन यहाँ लाएंगे, ठीक है, ओपन पे। उसके बाद फ्यूल, ये हो गया ओपन, ठीक है। उसके बाद सीट, ये हो गई सीट ओपन। और 24.5 लीटर का इसका जो बूट स्पेस है, मतलब अंडर सीट स्पेस है, 24.5 लीटर का है। मतलब कि एक फुल साइज़ हेलमेट जो मैं यूज़ करता हूँ, MT का बड़े वाला हेलमेट, वो ग्लव्स और भाई जो भी सामान रखना है इसके अलावा वो आप रख सकते हो, बहुत सारा सामान आ जाएगा। और सीट की बिल्ड क्वालिटी देख लो, यहाँ पर ये गैस्केट दी हुई है, ये पानी वानी से बचाने के लिए, मतलब मॉइस्चर ना जाए, लिक्विड ना जाए, उससे बचाने के लिए ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पर असेंबली दी हुई है, मोटरसाइकिल कनेक्ट, मतलब जो ब्लूटूथ वाला असेंबली है ना वो यहाँ पर है। अब आ जाते हैं मोबाइल होल्डर और चार्जिंग पोर्ट पर। तो ये देख लो, इसको आप हल्का सा पुश करोगे तो ये खुल जाएगा। और चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया हुआ है नॉर्मल यूनिवर्सल दिया हुआ है, कहने का मतलब ये कि बाइक वाला नहीं है, जो कार वाला आता है ना वो दिया हुआ है। बस आपने डॉक लगाना है और चार्ज करना है, सिगरेट पीने वालों के लिए भी ऐसा नहीं होगी। और मोबाइल फ़ोन रखने का तरीका बता देता हूँ कि वो कैसे रखते हैं। तो ये देखो काफ़ी बड़ा साइज़ है फ़ोन का भी, मतलब इतना ही जितना आईफोन 12 के आसपास होता है ना साइज़, वही साइज़ है फ़ोन का। अब ये बिग साइज़ फ़ोन कह सकते हो। अपन ने ये ऐसे रखा और ये बंद कर दिया।
कहने का मतलब ये है कि भाई स्पेस बहुत है अंदर, और इंजन जो है R15 टाइप है इसका, मतलब उससे मिलता जुलता इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है। तो चलो मैं इसकी डिटेल देता हूँ आपको सारी। सच बताऊँ गाइस, क्या प्रीमियम क्वालिटी है यार, प्रीमियमनेस किसको कहते हैं भाई, एक बार ये स्कूटर आगे देखो आप, टॉप नॉच क्वालिटी इसको कहते हैं ना, टॉप नॉच क्वालिटी। किसी भी चीज़ को उठा लो आप, चाहे फेयरिंग उठा लो, चाहे हैंडल प्लास्टिक फाइबर, कोई भी कुछ भी ले लो आप, इस स्कूटर का एक नंबर क्वालिटी है। और यहाँ देखो ये थोड़ा सा सिस्टम यामा ने इस बार चेंज कर दिया, ये लॉन्ग की दे दिए, ये इसकी की है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया जापान सिंगापुर में स्कूटर चलते हैं ना, सेम वही क्वालिटी है। तो ये आया है मेरे हिसाब से CBU यूनिट में, मतलब यही है कहने का कि ये CBU यूनिट आता है, यहाँ पर असेंबल नहीं होता। इसके अंदर आते हैं 3 कलर, एक तो ये है ऑरेंज सिल्वर वाइट मिक्स है इसके अंदर, और दूसरा है ये, इसको बोलते हैं मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, एक ये कलर है इसके अंदर, और एक आता है रेसिंग ब्लू, जो यामा R15 R3 के अंदर आता है ना रेसिंग ब्लू, यामा का अपना जो ट्रेडमार्क कलर है, ट्रेडमार्क कलर ही बोल सकते हो, पेटेंट कलर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई ये देख लो, ये है आपका एरोक्स मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। गाइज इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो माइलेज है, जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज, वो है 45 KMPL, मतलब 45 KMPL सिटी के अंदर। हाईवे पे अगर आप इसको लेके जाते हो तो उससे ज़्यादा ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप मान के चलो कि इसका जो इंजन है वो है लगभग 15 BHP के आसपास, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो 14.79 BHP का CVT इंजन है इसका, जो है 4 वॉल्व पर। और R15 की तरह VVA टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी आती है। VVA आपको पता ही है कि भाई टॉप एंड में VVA कितना अच्छा काम करती है, वो भी वाइब्रेशन फ्री। 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और बैटरी के जो एम्पियर हैं वो हैं 12 वोल्ट 6 एम्पियर, बहुत अच्छी मतलब हैवी बैटरी है, 12 वोल्ट 6 एम्पियर पर बैटरी है, और 5.5 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक मुझे थोड़ा सा कम लगा। गाइज रियर व्हील के साइज़ की अगर बात की जाए ना यहाँ पर, तो जो R15 R3 के अंदर साइज़ आता है ना, उतना ही चौड़ा इसका टायर है, मतलब 140 साइज़ का टायर आता है R3 के अंदर, R15 में वही साइज़ इसके अंदर दिया हुआ है। और आगे वाला जो टायर साइज़ है वो भी मतलब 110 है, 1110 है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है कि जैसा बाइक के अंदर टायर साइज़ आता है, सेम वही टायर साइज़ इसके अंदर है। बट इसके जो व्हील हैं वो 14 इंच के अंदर दिए हुए हैं, आगे वाला भी 14 इंच है और पीछे वाला भी 14 इंच है। गाइस फ्रंट डिस्क की बात की जाए तो 230mm का फ्रंट डिस्क साइज़ है, और जो रियर वाला है वो है 130mm। और यहाँ पर दिया हुआ है ये कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर इस बार यहाँ दे दिया नीचे की साइड, ये सारा मतलब वो ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, ये एयर कूल्ड इंजन नहीं है, लिक्विड कूल इंजन है। लिक्विड कूल इंजन जो होते हैं भाई एयर कूल्ड से काफ़ी लंबे चलते हैं, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो ये स्कूटी बड़े आराम से कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाई ये स्कूटी ऐसी है, सच बताऊं कि आप इस पे सामान लगाओ, V18 वाला जो क्लॉ बैग आता है वो लगाओ पीछे, और हेलमेट पहनो, और भाई साहब निकल जाओ लॉन्ग रूट पे, क्या स्कूटी है यार, मतलब स्कूटर है भाई। अगर इसके स्कूटर के वेट की बात की जाए तो ये है 126 kg का, 126 किलो का स्कूटर है ये, और इसकी जो सीट हाइट है वो है 790mm। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने शुरू में बोला था कि भाई इसकी 2 साल की वारंटी देती है कंपनी, 2 साल की नहीं है इसकी, 5 साल की वारंटी देती है, मतलब 3 साल एक्स्ट्रा है इंडिया के अंदर। मतलब कि अगर आप इसकी वर्ल्ड वाइड वारंटी, जैसे कि सिंगापुर थाईलैंड में अगर आप इसकी वारंटी लोगे तो ये इसकी वारंटी मिलेगी 2 साल, ठीक है। अगर आप इंडिया से इसको परचेस करते हो, भाई ऑब्वियसली इंडिया से ही परचेस करेंगे इंडिया ने, तो यहाँ पर आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। मतलब ये मैं सहनी मोटर के बारे में बता रहा हूँ जो राजापुरी के अंदर है द्वारका में, बाकी का मुझे नहीं पता, अब हर डीलर का सिस्टम अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से इंडिया में अगर है तो फिर 5 साल की वारंटी सभी दे रहे होंगे। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो यामाहा एरोक्स 150 की, जो कि एक मैक्सी स्कूटर है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अब छोटे छोटे शॉर्ट्स बना लूँ, उसके बाद अपलोड करूँगा ये वीडियो। ये आप देख सकते हो, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में यार, वीडियो एंड करने का मन तो नहीं कर रहा, दिल कर रहा कि यार वीडियो बनाए जाऊँ। स्कूटर मुझे वाकई बहुत पसंद आया, और सुंदर है भाई बहुत, बिल्ड क्वालिटी की तो भाई जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है।